Good morning, students. Students, today I will teach you Unit 5 from course book, A Trip to Kerala. Okay, students, आज हम लोग Unit 5 पढ़ेंगे और ये केरला का ट्रिप रहेगा और देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को देखने मिलता है. आभा एंड अभय went on a trip to Kerala with their parents. They traveled by train. आभा और जो अभय हैं वो लोग केरला घूमने जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में और वो लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से. ठीक है, वो लोग केरला जाते हैं ट्रेन से. केरला इज इन साउथ इंडिया. मैनी टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी दिस ब्यूटिफुल प्लेस. स्टूडेंट, जो केरला है वो साउथ इंडिया में है, यानी साउथ का मतलब होता है दक्षिण. ओके स्टूडेंट, दक्षिण भारत में केरला है और पूरे दुनिया से, ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट इस सुंदर सा प्लेस को देखने आते हैं. मम्मी, व्हेन विल वी रीच, आस्क्ड अभय. अभय अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी हम लोग कब पहुंचेंगे. वी विल रीच देयर इन 10 आवर्स, रिप्लाइड द मदर. मम्मी कहती है कि हम लोग वहाँ 10 घंटे में पहुँच जाएंगे. द रेलवे जर्नी वॉज फन. जो रेलवे में वो लोग जो ट्रेन में वो लोग जो जर्नी कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, वो लोग को बहुत मज़ा आ रहा था. स्टूडेंट, नेक्स्ट मॉर्निंग दे रीच अलपूजा. दे टूक ए टैक्सी टू द होटल. वो लोग अगले सुबह में कहाँ पहुँचते हैं, अलपूजा एक जगह का नाम होता है, वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो लोग टैक्सी लेकर होटल में जाते हैं. आभा एंड अभय सेट नियर द विंडो टू एंजॉय द व्यू. जो आभा और जो अभय है वो लोग क्या करते हैं, टैक्सी में वो लोग खिड़की के सामने बैठ जाते हैं ताकि वो लोग खिड़की से बाहर का जो जितना भी दृश्य है, ठीक है, उसको वो लोग एंजॉय कर सके. अलपूजा इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बैक वाटर्स एंड बीच. अलपूजा में आपको क्या, ये फेमस क्यों है, वहाँ पे आपको बहुत सारा नदी का छोटा छोटा पार्ट्स देखने के लिए मिलेगा और बहुत सारा बीच है. बीच का मतलब होता है स्टूडेंट, जो समुद्र होता है उसका जो किनारा होता है उसको बीच बोलते हैं. एट द होटल अभय आभा एंड अभय हैड देयर ब्रेकफास्ट क्विकली. सून दे सेट इन ए टैक्सी एंड स्टार्टेड फॉर अलपूजा बीच. ठीक है, होटल पहुंचने के बाद आभा और अजय क्या करते हैं, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खा लेते हैं और वो लोग तुरंत से टैक्सी में बैठ के अलपूजा बीच घूमने के लिए निकल जाते हैं. द मोमेंट देयर टैक्सी स्टॉप्ड, आभा एंड अभय टुक ऑफ देयर शूज एंड रन टुवर्ड्स द बीच. जैसे ही टैक्सी रुकता है तो आभा और अजय अभय क्या करता है, वो लोग अपना शूज को खोल देता है और वो लोग दौड़ के वो लोग बीच में चल जाते हैं, समुद्र किनारे चल जाते हैं. लुक आभा ए लाइट हाउस, शाउटेड अभय एक्साइटली. ठीक है स्टूडेंट, जो अभय होता है वो लाइट हाउस को देख के बहुत ही एक्साइटेड होके बोलता है कि आभा देखो वहाँ पे लाइट हाउस है. आपको पिक्चर में दिख रहा होगा स्टूडेंट, जो जो लंबा सा जो बना हुआ है टावर, वो लाइट हाउस है. द अलपूजा लाइट हाउस स्टैंड नियर द बीच. इट इज़ वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट ऑफ द सिटी. जो अलपूजा लाइट हाउस है, ठीक है, वो समुद्र के किनारे में है और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है. ठीक है स्टूडेंट, लाइट हाउस में क्या होता है, एक लंबा सा टावर होता है, वहाँ पे लाइट लगा हुआ रहता है और ये क्या करते हैं, वो जितना भी शिप होता है ना उसको वो लोग डायरेक्शन देते हैं लाइट के थ्रू. नेक्स्ट स्लाइड, आभा एंड अभय क्लिक मेनी पिक्चर्स. दे देन बिल्ड सैंड कैसल्स एंड प्लेड इन द सी. आभा और अभय क्या करते हैं, बहुत सारे पिक्चर खींचते हैं और वो लोग सैंड कैसल मतलब बालू का जो घर होता है, वो लोग बालू का घर बनाते हैं और समुद्र किनारे वो लोग खेलते हैं. आफ्टर लंच दे वेंट टू द बैक वाटर्स ऑफ अलपूजा. द सिटी इज फेमस इट्स बैक वाटर. दे हायर्ड ए हाउस बोट टू इंजॉय द व्यू. लंच करने के बाद वो लोग कहाँ जाते हैं, वो लोग अलपूजा के बैक वाटर्स में जाते हैं. ठीक है, बैक वाटर जो नदी का जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं और वो लोग एक हाउस बोट को हायर करते हैं ताकि वो लोग
व्यू को एंजॉय कर सके। ठीक है, हाउस बोट किसको बोलते हैं, जो पानी में आपको दिख रहा होगा वहाँ पे एक बोट है, ठीक है, और वो उसमें घर बना हुआ रहता है। द हाउस बोट हैड फर्निश बेडरूम्स, टॉयलेट, ए किचन एंड इवन ए बालकोनी। हाउस बोट में क्या होता है स्टूडेंट कि उसमें बेडरूम होता है, फर्निश बेडरूम, यानी आपको सारा कुछ वो बेडरूम में बेड रहेगा, ठीक है, पिल्लो वगैरह रहेगा, और टॉयलेट और किचन रहता है, ठीक है, और इवन ए बालकोनी भी रहता है हाउस बोट के अंदर में, ठीक है। एक नाव में एक घर बना हुआ रहता है और उसमें सारा कुछ रहता है जो आपके घर में रहता है। दे एंजॉयड लुकिंग एट द ब्यूटिफुल ब्लू वाटर एंड द लवली ग्रीन पाम ट्री फ्रॉम द हाउस बोट। वो लोग क्या करते हैं, हाउस बोट से वो लोग इंजॉय करते हैं, पानी का रंग कैसा होता है, ब्लू रंग का रहता है, और पाम ट्री जो होता है, लवली ग्रीन पाम ट्री को देख के वो लोग इंजॉय करते रहते हैं। आभा एंड अभय लव स्टेइंग इन द हाउस बोट। आभा और अभय को, दोनों को हाउस बोट में रहना बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट डे दे टूक ए बस एंड रीच मुन्नार। इट इज़ ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन केरला। अगले दिन वो लोग क्या करते हैं, बस लेके वो लोग मुन्नार, एक जगह का नाम है जो बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, ठीक है, केरला में। आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे साइड में। इट इज़ फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशन। जो मुन्नार जो है वहाँ पे वो फेमस है, वहाँ पे बहुत सारा चाय का बगान है, ठीक है स्टूडेंट, उसके लिए फेमस है। आभा एंड अभय एंड देयर पेरेंट्स लव द ब्यूटी ऑफ मुन्नार। आभा और जो अभय है और उसके जो मम्मी पापा रहते हैं, वो लोग को मुन्नार का जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसको देख के वो लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है, वो लोग को बहुत पसंद आता है। अभय लुक ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ऑन दैट हिल, एक्सक्लेम्ड आभा। वाओ, लेट मी क्लिक देयर पिक्चर, आई विल सो इट टू माई फ्रेंड, रिप्लाइड अभय। अभय जैसे क्या, आभा जो होती है वो चिल्ला के कहती है, ठीक है, अभय को कि अभय देखो वहाँ पे एक हाथी का झुंड है उस पहाड़ में, ठीक है, और अभय कहता है कि हमको जल्दी से फोटो क्लिक करने दो और हम अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे ये पिक्चर। दे ऑल्सो इन्जॉयड मैनी कल्चरल शोज ऑफ केरला, दे सॉ ए कथकली परफॉर्मेंस, ओके स्टूडेंट। और वो लोग वहाँ पे बहुत सारा कल्चरल जो प्रोग्राम होता है केरला में, ठीक है, वो लोग बहुत सारा कल्चरल शो देखते हैं, और उसमें से एक कथकली परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, वो बहुत फेमस होता है, वो लोग उस डांस को भी देखते हैं, कथकली डांस, ओके, ये केरला का ये अपना ट्रेडिशनल डांस है स्टूडेंट। कथकली इज एन ओल्ड क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। जो कथकली जो डांस है स्टूडेंट, वो केरला का बहुत ही पुराना क्लासिकल डांस है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा परफॉर्म बाय कलरफुली ड्रेस्ड डांसर, ठीक है स्टूडेंट। ये डांस में एक ड्रामा होता है, एक कहानी होता है, और इसको जो डांसर्स लोग जो होते हैं वो कलरफुल, ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगा कपड़ा पहन के वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। द लास्ट थिंग आभा एंड अभय सॉ इन केरला वाज कलारीपयट्टू परफॉर्मेंस। इट इज़ द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ केरला, ओके स्टूडेंट। और लास्ट में आभा और अभय क्या करते हैं, वो कलारीपयट्टू एक परफॉर्मेंस, जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है केरला का, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है ना, मार्शल आर्ट वो। इट इज़ नाउ परफॉर्म ओनली फॉर इंटरटेनमेंट, ठीक है स्टूडेंट। अभी के समय में केरला में ये क्या करता है, ये कलारीपयट्टू जो परफॉर्मेंस होता है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए वो लोग वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ताकि जितने भी टूरिस्ट लोग हैं वो लोग वहाँ पे आके वो लोग इंजॉय कर सके इस मार्शल आर्ट को। इट वॉज ए स्पेशल ट्रिप फॉर देम, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट में ये है कि ये लोग को जो ट्रिप जो रहता है वो आभा और अभय और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल ट्रिप रहता है, कि वो लोग सारा केरला को वो लोग घूमते हैं और उन्हें बहुत पसंद आता है। ओके स्टूडेंट, आप लोग को ये स्टोरी जो ट्रिप था केरला का समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।